ओके, तो टॉपिक है हमारा ट्री। ट्री में देखो जो हमारे मेजर कंटेंट्स हैं वो है, फर्स्ट मैं तुम्हें आज बताऊंगी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं ट्री के बारे में तुम्हें बता दूंगी कि ट्री किस तरह से डिज़ाइन करना है और ट्री में क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज, मेमोरी में ट्रीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, थर्ड है हमारे पास बाइनरी ट्री, नेक्स्ट है ट्रवर्सिंग बाइनरी ट्री। तो आज के लेक्चर में देखते हैं हम कितना कवर करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो लास्ट सेमेस्टर में जो तुमने डाटा स्ट्रक्चर का पेपर किया है, उसमें जो हमने डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं वो हमारे पास थे एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेन आ रहा है वो आता है ट्रीज के बारे में हम स्टडी करें कि ट्रीज को मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, ट्रीज के बाद हमारे पास आते हैं ग्राफ्स हैं, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है डाटा स्ट्रक्चर में। तो ट्रीज से स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा प्रीवियस सेमेस्टर का पार्ट है जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखो सबसे पहले हमारे पास है एरे, एरे हमने स्टडी किया हुआ है। व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। तो डाटा स्ट्रक्चर में एरे का बहुत बड़ा रोल है। देखो जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स तुमने स्टडी किए हैं, एरे किया है और लिंक लिस्ट है या स्टैक है या क्यू है, ईच एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन रोल मेमोरी में। अगर तुम देखोगे तो हमारे पास हर डाटा स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सिर्फ इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि क्रैम कर लिया, लिंक लिस्ट हमने स्टडी कर ली, स्टैक इम्प्लीमेंट स्टैक भी स्टडी कर लिया। इनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। देखो लिंक लिस्ट तुमने स्टडी किया, लिंक लिस्ट में क्या होता है, ईच नोड के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं डाटा आइटम्स, ठीक है, और सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका इंफॉर्मेशन। तो डाटा आइटम्स के बाद जो ये नेक्स्ट होता है, डाटा आइटम्स में तो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट होता है, दिस इज द पॉइंटर थ्रू नेक्स्ट नोड, यानी कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में ऐड हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर अब देखो किस तरह से यहाँ पर आएगा, आई जस्ट शो यू, ये देखो यहाँ पर ये हमारे पास हेड है। हेड क्या करता है, हेड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। और लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड में क्या है, दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, डाटा आइटम, सेकंड पार्ट में एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इस तरह से क्या रहेगा, तुम्हारे पास हर किसी का एड्रेस प्रीवियस नोड में स्टोर हो जाता है। ये लिंक लिस्ट हमने किया हुआ है। ये हमारे पास है स्टैक। स्टैक का जनरल एग्जांपल देखो, शेल्फ में जैसे बुक्स रखी हुई हैं लाइब्रेरी में, अगर तुम देखो तो वो एक स्टैक का एग्जांपल है। मेमोरी में स्टैक का क्या यूज़ है ये पता होना चाहिए। स्टैक को सिर्फ ये नहीं कि समझ लिया स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं या हम रियल लाइफ में उससे रिलेटेड, स्टैक का यूज़ कहाँ है कंप्यूटर में, मेमोरी में कहाँ यूज़ करते हो स्टैक को, सर्च करना और फाइंड आउट करना कि स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हमने किया था क्यू, किया होगा है ना। तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट फर्स्ट आया है वही फर्स्ट रिमूव होगा। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट में क्या होता है, एलिमेंट रिमूव, रियर से एलिमेंट ऐड होता है। तो ये तो तुम्हारा प्रीवियस था जो मैंने तुम्हें अभी रिवाइज करवाया डाटा स्ट्रक्चर का। अब हम करते हैं ट्री के बारे में। ट्री बेसिकली क्या होता है, देखो जनरली हम ट्रीज देखते हैं तो ट्रीज में क्या होता है, रूट से स्टार्ट होता है पार्ट हमारा, रूट से ट्री ग्रो करना स्टार्ट करता है। उसी तरह से यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर में भी ट्री को रिप्रेजेंट हमने किस तरह से करना है, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मीन्स एक पेरेंट है और उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, यानी कि वन या वन से ज़्यादा चाइल्ड हैं, और एक रूट नोड रहेगा हमारे पास, उसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। जो ट्री स्ट्रक्चर है हमारा वो हायरार्किकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। हायरार्किकल का मतलब क्या है कि रूट नोड, फिर पेरेंट नोड, फिर चाइल्ड नोड, तो ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो इस तरह से ये एक मैंने जनरल एक फैमिली ट्री बना रखा है। देखो इसमें क्या है, सुरेश नाम है जो रूट पे है, उसके बाद उनके आगे चाइल्ड है सुनीता, समीर एंड साहिल, फिर सुनीता के फर्दर दो चाइल्ड हैं, समीर का एक चाइल्ड, उनके फर्दर दो चाइल्ड, साहिल के फर्दर दो चाइल्ड। तो ये एक ट्री है हमारे पास। ये ट्री किसी भी तरह से तुम बना सकते हो, बट
एक रूट नोड होना जरूरी है, पेरेंट नोड के साथ चाइल्ड नोड है। अब डिपेंड करता है, चाइल्ड नोड जीरो भी हो सकते हैं और जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को हमने स्टडी करना है कि अगर चाइल्ड नोड जीरो है तो ट्री क्या बन जाएगा, और अगर टू चाइल्ड है तो ट्री को हम क्या नाम देंगे। तो ये एक जनरलाइज ट्री मैंने यहाँ बता रखा है, हम इसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है ट्री को किस तरह से डिफाइन करना है। नोट डाउन द डेफिनेशन, ए ट्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल का मीनिंग मैंने अभी बताया, हायरार्की फॉलो करनी है, रूट लेवल, पेरेंट एंड चाइल्ड, दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ये हमारी है ट्री की डेफिनेशन। डायग्राम यहाँ से दिखाई दे रहा है सबको। इसमें ट्री में क्या है, सीक्वेंस ऑफ नोड्स हैं, इनको क्या कहते हैं, नोड्स, ए बी सी डी ई, दीज आर द नोड्स। ओके, देयर इज अ स्टार्टिंग नोड नोन एज रूट नोड। रूट नोड किसको बोलेंगे हम, ए को, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, दिस इज कॉल्ड एज अ रूट नोड। एवरी नोड अदर देन रूट हैज अ पेरेंट नोड, जितने भी नोड्स हैं अदर देन रूट नोड, इस नोड को छोड़कर बाकी सब पेरेंट नोड हैं। देखो, बी पेरेंट है, सी पेरेंट है, डी पेरेंट है। अब बी का चाइल्ड कौन है, ई है, बट अगर ई को हम फर्दर एक्सपेंड कर दें तो ई भी पेरेंट नोड है। तो रूट के अलावा जितने भी नोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दे आर एट एनी सम लेवल, दे आर द पेरेंट नोड। नोड्स मे हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो कोई कंपल्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम ट्री डिफाइन कर रहे हो ना, सिंपल ट्री, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ट्री डेफिनेशन। अभी मैंने ट्री को आगे डिफाइन नहीं किया, आगे बहुत सारे ट्रीज हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो सिंपल ट्री में चाइल्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट मे हैव अ जीरो और नो चाइल्ड। तो ये हमारा क्या है, ट्री। यहाँ पर देखो ट्री के बारे में, ए रूट नोड है हमारे पास, बी, बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड ई, ई, ई के बारे में क्या है, ई इज अ राइट चाइल्ड ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर हमने ट्री को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है, रूट नोड, पेरेंट नोड, पेरेंट नोड के लेफ्ट का नोड एंड पेरेंट नोड का राइट चाइल्ड। ठीक है, तो बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, डी, बी का राइट चाइल्ड कौन है, ई, डी का राइट चाइल्ड कौन है, एच। यहाँ पर यहाँ देखो, ए से राइट कौन है, सी, सी इज द राइट चाइल्ड ऑफ ए। तो इस तरह से तुम डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट एक और इसमें टर्म है जो बता सकते हैं हम, देखो हर ट्री का एक लेवल होता है, यहाँ पर लेवल मैंने डिफाइन कर रखे हैं। सबसे पहले लेवल आता है लेवल ज़ीरो। लेवल ज़ीरो हम किसको बोलते हैं, रूट लेवल को। ये जो रूट लेवल है, दिस इज द लेवल ज़ीरो। नेक्स्ट कौन सा है, पेरेंट, बी और सी की टर्न आ रही है, तो ओके। इसके बाद लेवल टू, लेवल टू में कौन कौन है, डी, ई, एफ, जी। जैसे जैसे ट्री देखो नीचे की तरफ प्रोग्रेस करता जा रहा है, लेवल चेंज होते जा रहे हैं, लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको नोटबुक में नोट कर लो, वीडियो अपलोड होगी उसमें से देख के, नहीं तो कॉपी में ज़रूर नोट करना। देखो जो चीज़ें बता रही हूँ ये अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में सब यूज़ होने वाली हैं। जो भी मैं बता रही हूँ, रूट नोड क्या होता है, पेरेंट नोड क्या होता है, चाइल्ड नोड क्या होता है, ट्री की डेफिनेशन याद रखनी है तुमने, लेवल्स बता दिए मैंने तुम्हें कि लेवल कैसे बनते हैं ट्री के अंदर। देखो यहाँ कितने लेवल हैं, लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री, फोर लेवल का ट्री है ये, क्लियर है। तो ये हो गए लेवल्स। ये जो डैश्ड लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ पाथ, पाथ फ्रॉम ए टू सी। पाथ फ्रॉम ए टू ई किस तरह से होगा, ए बी ई। तो ये डॉटेड लाइंस जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, दिस इज द पाथ बिटवीन टू नोड्स। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, सब ट्री किसे बोलते हैं। देखो ये तो कंप्लीट ट्री है, ए से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ पर जा रहा है, एच, आई और जे पे जा रहा है। तो ये जो बीच में तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो अ ट्री, दिस इज कॉल्ड एज अ सब ट्री। ट्री के अंदर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक पार्ट है ट्री का, एफ पेरेंट नोड है, आई और जे उसके चाइल्ड नोड है। तो ये हमारा क्या है, सब ट्री है, जिसमें क्या है, ए उसका रूट नोड था, बट ये हमारा क्या है, सब ट्री है, और एफ इसमें रूट बन जाएगा।
ये पूरे ट्री का एक सब ट्री है, एफ एज अ रूट। तो सब ट्री क्लियर होने के बाद मैं नेक्स्ट टर्म बता रही हूँ तुम्हें, लीफ नोड किसे बोलते हैं। देखो बेटा, लीफ नोड विच हैव नो फर्दर चाइल्ड नोड, ऐसे नोड्स जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना पूरे डायग्राम में, जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं है, उनको बोलते हैं लीव्स, लीव्स ऑफ द ट्री, जिनका आगे कोई पाथ ही नहीं जाएगा जिनसे आगे। देखो एच है, एच के आगे कोई लीव्स नहीं है, सॉरी चाइल्ड नहीं है। ई है, आई, जे, जी, तो दीज आर ऑल द लीफ नोड्स। लीफ नोड्स कौन से हैं? द नोड्स विच हैव नो चाइल्ड, जिनका कोई चाइल्ड आगे नहीं है, दे आर कॉल्ड एज अ लीफ नोड। तो जो जो टर्म्स मैंने बताई हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आती है, देखो ये जनरल डायग्राम है जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं उनमें सब ये सभी वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा है तो वो है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं जनरली? देखो हमारे घर में, देखो अब सपोज मेरे दो किड्स हैं तो वो सिबलिंग्स हैं, तुम आपस में भाई बहन हो, रियल ब्रदर सिस्टर जो तुम्हारे हैं वो तुम सब सिबलिंग्स कहलाए जाते हैं, ठीक है? उनको दे आर कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स। तो यहाँ पर देखो पेरेंट रूट नोड कौन था? ए। पेरेंट कौन है? बी और सी। ओके, तो सी के दो चाइल्ड है एफ और जी, इनको बोलते हैं हम सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आर द नोड्स विच आर ऑन द सेम लेवल एंड हैविंग सेम पेरेंट, जिनका पेरेंट नोड सेम है, ओके, और वो सेम लेवल पर है, दे आर कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स। अब एफ और जी को देखो, दे आर ऑन द लेवल टू, सेम लेवल पर है और उनका पेरेंट नोड भी सेम है सी, तो दीज आर द सिबलिंग्स। और भी सिबलिंग्स हैं यहाँ पर, डी और ई को देखो, दे आर ऑन द सेम लेवल एंड हैव द सेम पेरेंट, दीज आर कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स। एच आई सिबलिंग्स हैं, ओके। और इनमें से लीफ नोड कौन कौन से हैं? देखो एच है, आई है, जे है, एफ है, जी है, ये सब लीफ नोड्स हैं जिनके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रूट कंप्लीट कर लिया, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, सिबलिंग, लीफ, सब ट्री, लेवल्स एंड कीज। कीज मैंने अभी नहीं बताया तुम्हें, कीज बेसिकली क्या होती है? एक नोड की वैल्यू होती है। जब हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे इसी टॉपिक में, तो जब हम ट्री में सर्चिंग करेंगे ना, उस की हेल्प से सर्च करेंगे, तो की क्या होता है? हर नोड के अंदर एक वैल्यू होती है। जैसे लिंक लिस्ट में हम नोड की एक वैल्यू रखते हैं, उसका एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, वैसे ही ट्री में नोड की अगर वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज अ की वैल्यू ऑफ द नोड। तो दीज आर सम की टर्म्स रिलेटेड टू दी ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती है डिग्री ऑफ अ नोड। तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट टर्म, डिग्री ऑफ ए नोड क्या होती है? देखो एक नोड है, कोई भी नोड ले लो, चाहे रूट नोड है, चाहे पेरेंट नोड है, चाहे चाइल्ड नोड है, उसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। उस नोड के कितने चिल्ड्रन हैं उसे डिग्री कहते हैं, ठीक है? जैसे रूट पे मान लो ए है और बी और सी उसके चाइल्ड है, तो उसकी डिग्री कितनी हुई? टू। तो डिग्री इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। चिल्ड्रन पे फोकस करना है, आगे के आगे लेवल मत देखना, डिग्री ऑफ अ नोड। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ अ ट्री। दोनों में देखो डिफरेंस है, वन इज द डिग्री ऑफ ए नोड। नोड हमारे पास कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये नोड्स हैं। डिग्री ऑफ अ ट्री, ट्री की डिग्री क्या होती है? इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री। सभी नोड्स की डिग्री निकाल लो, कैलकुलेट करो, जिस नोड की डिग्री मैक्सिमम होगी ना, वो डिग्री ऑफ अ ट्री है। ओके, सपोज मैं तुम्हें प्रीवियस एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो रूट नोड है, इसकी डिग्री कितनी है? टू, टू चिल्ड्रन है इसके। डी है, बी के कितने चिल्ड्रन हैं? टू हैं। डी के पास दो चिल्ड्रन है। ई की डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? इस पूरे ट्री की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 ही है। तो ट्री की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पाथ, पाथ मैंने अभी बताया था, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड। कोई भी पाथ तुम ए से बी ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज द पाथ। नेक्स्ट टर्म है हाइट ऑफ अ नोड, नोड की हाइट। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द ट्री, दोनों में डिफरेंस है। देखो हाइट ऑफ अ नोड क्या होता है कि किसी नोड की हाइट कितनी है? इट इज़ द मैक्सिमम पाथ लेंथ
फ्रॉम दैट नोड टू लीफ नोड, मतलब उस नोड से तुम्हें लीफ नोड जाने में सबसे मैक्सिमम पाथ लेंथ कितनी कवर करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं हाइट ऑफ द नोड। तुम पेरेंट नोड से स्टार्ट करते हो और लीफ नोड तक जाने में कितनी पाथ लेंथ कवर की, दैट इज द हाइट ऑफ द नोड। हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है? इट्स द हाइट ऑफ द रूट। देखो इसी डायग्राम में देखते हैं हम, हाइट ऑफ द ट्री क्या रहेगी? हाइट ऑफ द रूट। हाइट ऑफ द रूट कितनी है? यहाँ से गए वन, जस्ट वेट, देखो यहाँ से गए पाथ लेंथ 1, 2, 3, तो ये क्या है? हाइट ऑफ द ट्री है। हाइट ऑफ द नोड क्या होता है? सपोज मुझे बी की हाइट कैलकुलेट करनी है तो लीफ नोड तक देखो कैसे जाएगा, 1, 2, तो ये इसकी हाइट है। हाइट ऑफ द ट्री और हाइट ऑफ द नोड में डिफरेंस है। नेक्स्ट होता है डेप्थ ऑफ द ट्री। डेप्थ ऑफ द ट्री क्या है? मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ, मैक्सिमम लेवल किसी भी लीफ का कितना है? देखो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ से फर्दर एक नोड और बना लेते हैं, हम ई बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो डेप्थ कैलकुलेट करनी है। डेप्थ की डेफिनेशन क्या है? इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ। तो सभी लीफ के लेवल निकालो। एच कौन से लेवल पर है? देखो 0, 1, 2, 3। आई कौन से लेवल पर है? 3। के कौन से लेवल पर है? 4। एफ कौन से लेवल पर है? 2। जी कौन से लेवल पर है? 2। तो मैक्सिमम लेवल कौन सा आया? 4। दिस इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। इसको क्या कहेंगे हम? डेप्थ ऑफ द ट्री, कि मैक्सिमम लेवल किसी भी लीव का मैक्सिमम लेवल कहाँ तक जा सकता है। अब सपोज मैं के से आगे ड्रॉ कर दूँ तो लीव का लेवल और चेंज हो जाएगा, तो डेप्थ भी उतनी चेंज होती जाती है। क्लियर है? तो ये सारी टर्म्स मैंने तुम्हें बता दी हैं। देखो डिग्री नोड और ट्री की, हाइट नोड और ट्री की, डिग्री और नो हाइट में डिफरेंस क्या है? डिग्री नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। और डिग्री ऑफ ट्री कहाँ से आएगी? जब आपको मैक्सिमम डिग्री पता लग जाएगी तो आप डिग्री ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द नोड क्या है? लीफ तक जाने का मैक्सिमम पाथ। और हाइट ऑफ द ट्री क्या है? हाइट ऑफ द रूट। डेप्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। डेप्थ क्या होती है? मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ, ये हमारी क्या हो जाएगी? डेप्थ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम छोटा सा, ठीक है, फिर देखते हैं, नहीं तो बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू कल कर लेंगे। यहाँ देखो क्या क्या है हमारे पास, इसी डायग्राम में हम फोकस करते हैं। ए इज द रूट नोड, बी इज द पेरेंट ऑफ ई एंड एफ, चेक करते रहना कोई मिस्टेक ना हो तो। डी इज द सिबलिंग ऑफ बी एंड सी, डी इज द सिबलिंग ऑफ बी एंड सी। डी सिबलिंग है बी और सी का, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ ठीक है, डी बी सी देखो तीनों लेवल सेम पर है और सेम पेरेंट नोड है, तो डी इनका सिबलिंग, ये तीनों सिबलिंग्स हैं। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ बी, तो ट्री को एक्सप्लेन करना किस तरह से, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, ये सब पॉइंट्स किस तरह से नोट करना है, तो ट्री को अच्छे से स्टडी करना है। ई एफ जी डी, ई एफ जी डी आर एक्सटर्नल नोड और लीव्स। लीव्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म क्या है? एक्सटर्नल नोड्स। ए बी सी आर द इंटरनल नोड्स, तो इंटरनल नोड्स कौन से हैं? ए बी सी। डेप्थ ऑफ एफ, एफ की डेप्थ कितनी है? विच इज़ द मैक्सिमम लेवल, 2। हाइट ऑफ द ट्री कितनी है? मैक्सिमम पाथ लेंथ देखो कितनी है, 2। डिग्री ऑफ नोड ए, डिग्री ऑफ नोड ए कैसे पता चलता है? मैक्सिमम पाथ लेंथ तुमने जितनी कवर की। डिग्री ऑफ ट्री, ट्री की डिग्री कितनी है? 3। तो यहाँ से हम मैक्सिमम पाथ लेंथ कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। सारे टर्म्स देखना करेक्ट है या इनमें क्या है, एक बार अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इट कंबाइंस एडवांटेजेस ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे, सर्चिंग इज फास्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन इज फास्ट, इट इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज। नाउ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मीनिंग होता है देखो ट्रीज को यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ट्री को स्टडी तो हम कर रहे हैं, तो ट्री का कंप्यूटर में यूज़ कहाँ कहाँ पर है। तुम्हारे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है ना कंप्यूटर में, लाइक देखो सी ड्राइव में तुमने फाइल स्टोर की, सी ड्राइव के बाद तुम्हारे पास
माई डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर आता है, ओके, तो माई डॉक्यूमेंट्स का ही मैं एक फोल्डर बना ले होता है, उसमें क्रिएट करो या तुम अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के बाद हमारे पास सपोज अपने पर्सनल नाम का कोई फोल्डर है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्री स्ट्रक्चर ही तो ड्रॉ हो रहा है। यहाँ सी है, यहाँ हमारे पास डायरेक्टरीज हैं, फिर उसके बाद फर्दर उनके पेरेंट के चाइल्ड नोड हैं। तो ये कंप्यूटर में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, ट्री की। स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जो हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं लाइक 12 प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6, तो ये ट्री स्ट्रक्चर में तो हम करते हैं कि हमें सबसे पहले किसे इवेल्युएट करना है, फिर किसे इवेल्युएट करना, हम ट्री की फॉर्म में मूव करते हैं, लाइक इसको पहले इवेल्युएट किया फिर इनको किस तरह से इवेल्युएट। नेक्स्ट हमारे पास है 3D वीडियो गेम्स में अगर आप देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स रेंडरिंग की जाती है, रेंडरिंग होता है कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को, 3D वीडियो गेम्स में हमारे पास सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ट्री की शेप में हैं। नेक्स्ट यूज्ड इन हाई बैंडविड्थ रूटर, नेक्स्ट इन यूज्ड इन कंप्रेशन एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास ट्री का टॉपिक आज कंप्लीट होता है हमारा, जिसमें हमने ट्री के बारे में स्टडी किया है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया है, ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ट्रीज के कुछ बेसिक टर्म्स हैं लीफ नोड, रूट नोड, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग्स, और डेप्थ, हाइट ऑफ द ट्री, डेप्थ ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द नोड, तो ये सारी टर्म्स को अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम ट्री के बाद बाइनरी ट्री आएगा, बाइनरी ट्री से स्टार्ट करेंगे कि ट्री को ही हम बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट करो।